Hello guys, welcome back to the channel. I hope everyone is doing great. S-Cross, इस कार के बारे में सुनते ही हमें इसके मैसिव 1.6 लीटर डीजल और इसका मारुति सुजुकी का ट्राइड एंड टेस्टेड 1.3 लीटर DDSI इंजन याद आते हैं। जैसे कि हम लोग सब जानते हैं, इन द मंथ ऑफ अप्रैल 2020 मारुति ने सारे डीजल इंजन्स बनाना डिसकंटिन्यू कर दिए हैं। तो मारुति ने अभी अपने बड़े प्रीमियम कार्स में जैसे सियास और ब्रेज़ा जो सिर्फ डीजल में आती थी, इन दोनों गाड़ियों में 1.5 लीटर का के सीरीज़ इंजन निकाला है। तो हम लोग सब वेट कर रहे थे कि एस क्रॉस में कब कौन सा पेट्रोल इंजन आने वाला है। तो रिसेंटली ही मारुति ने अनवील किया है 1.5 लीटर का के सीरीज़ पेट्रोल इंजन एस क्रॉस में। तो इसी के बारे में पूरा जानते हैं यही वीडियो में। तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। जब एस क्रॉस लॉन्च हुई थी 2015 में, तब ये मारुति सुजुकी की पहली कार थी जो कि कंपनी के प्रीमियम शोरूम्स नेक्सा में से सेल के लिए रखी गई थी। तब एस क्रॉस में हमें दो इंजन ऑप्शंस मिलते थे, एक 1.6 दूसरा 1.3। दोनों ही डीजल इंजन्स थे। एस क्रॉस में इसके पहले कभी भी पेट्रोल इंजन या ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन हमें देखने नहीं मिला। सब कुछ गाड़ी का अच्छा होने के बाद और इतनी अच्छी बिल्ड क्वालिटी होने के बाद भी ये लोगों को उतनी पसंद नहीं आ रही थी। शायद इसके लुक्स लोगों को नहीं पसंद आ रहे थे और कम सेल्स के चलते कंपनी ने उसका 1.6 लीटर का इंजन कुछ टाइम बाद डिसकंटिन्यू कर दिया और ये सिर्फ एक ही इंजन ऑप्शन के साथ आ रही थी। कंपनी ने सेल्स बढ़ाने के लिए एस क्रॉस का फेसलिफ्ट वर्जन 2017 के एंडिंग में लॉन्च किया। इस फेसलिफ्ट के आते के साथ ही एस क्रॉस की सेल्स काफ़ी अच्छी हो गई क्योंकि ये काफ़ी प्रीमियम लग रही थी। फिर जब ट्रांसपोर्ट मिनिस्ट्री ऑफ इंडिया ने 2019 में रूल निकाला कि अप्रैल 2020 के बाद सभी कार, फोर व्हीलर, ट्रक्स और सारे टू व्हीलर कंपनीज को BS6 नॉर्म्स के इंजन के साथ ही अपने इंजन बाजार में उतारने होंगे, तब मारुति सुजुकी ने खुद को धीरे धीरे डीजल इंजन से दूर करना चालू कर दिया। फिर मारुति उसके पेट्रोल और CNG, जिसको कि मारुति SCNG के नाम से प्रमोट करती है, उसकी ऐड करने लगी। मारुति सुजुकी की तरफ से फिर एक डिसीजन आता है कि वो सारे डीजल इंजन्स डिसकंटिन्यू करने वाली है। फिर उसकी जो डीजल कार्स थी जैसे कि ब्रेज़ा और एस क्रॉस, जिसमें कभी पेट्रोल नहीं आता था, उनके लिए कंपनी ने एक नया इंजन निकाला जो कि 1.5 लीटर का था पेट्रोल इंजन, और वो इंजन के सीरीज है। ये सेम इंजन हमें ब्रेज़ा, सियास, अर्टिका और रिसेंटली एस क्रॉस में भी देखने मिला है। ये पेट्रोल इंजन एक माइल्ड हाइब्रिड इंजन है जिसका कि कंपनी एवरेज 18 प्लस क्लेम कर रही है। एस क्रॉस में हमें पहली बार ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन के बारे में इंफॉर्मेशन मिली और कंपनी ने इसे ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन में भी लॉन्च किया। अब देखना यह है कि एस क्रॉस पेट्रोल में लोगों को कितनी पसंद आती है। आप लोगों का एस क्रॉस पेट्रोल इंजन के बारे में क्या ख्याल है, आप कमेंट करके बता सकते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए।